हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने थंबनेल भी देखा होगा, थिंकिंग ऑफ मूविंग टू लिथुएनिया, गेट 2,900 यूरोज इंसेंटिव फॉर रिलोकेशन। मतलब अगर आप लिथुएनिया में मूव करते हैं तो आपको ये इतने जो पैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, कैसे मिलेंगे इस वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है ये, लिथुएनियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि अगर आप लिथुएनिया रिलोकेट करते हैं तो वो आपको इतने पैसे देंगे, 2,900 यूरोज। अब देखिए क्यों देंगे ये, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं हम जानेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे देखिए एक लिथुएनिया का स्क्वायर का कितना बढ़िया फोटो आप देख सकते हैं। देखिए कितनी, आप देख सकते हैं ये कैपिटल का है फ्रेंड्स, जो कैपिटल सिटी है उसका फोटो है, कितना बढ़िया दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पढ़िए, इन्होंने देखिए क्या लिखा है, लिथुएनिया हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प हाईली एजुकेटेड स्पेशलिस्ट विथ सच रिलोकेशन कॉस्ट एंड इज़ नाउ ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ नियरली 3,000 यूरोज टू न्यू कमर स्पेशलिस्ट। मतलब अगर आप एक हाईली स्किल्ड हैं किसी भी फील्ड में, अगर आप स्किल्ड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, तो आप इतने पैसे के हकदार हो सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, फ्रेंड्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एक स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हाईली एजुकेटेड तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर एक्सपीरियंसड हैं, आपके पास स्किल है कोई और एक्सपीरियंस है, तो इतने पैसे आपको मिल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कैसे है। आर यू एलिजिबल फॉर द पेमेंट, कैसे हैं, कौन कौन क्वालिफाई करते हैं। देखिए, टू क्वालिफाई फॉर द पेमेंट यू नीड टू नॉट हैव बीन अ परमानेंट रेसिडेंट इन लिथुएनिया फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब आप लिथुएनिया में 5 साल तक वहाँ के PR नहीं हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हैव एन ओपन एंडेड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी बेस्ड लिथुएनिया, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, कंपनी के साथ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, समझ लीजिए कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई डेट, एक्सपायरेशन डेट लिखी है और आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं। एम्प्लॉयर क्या कर सकता है कि उसमें जो टर्मिनेशन का क्लॉज है वो निकाल सकता है और आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो आप ये जो चीज़ है, सेकेंड पॉइंट, ओपन एंडेड, ये आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्क इन अ हाई वैल्यू एडिंग प्रोफेशन, कौन कौन से प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, ICT, ठीक है। उसके बाद रिसीव एन एवरेज ग्रॉस मंथली सैलरी ऑफ एटलीस्ट 2,993 यूरोज, 4.1 टाइम्स द मिनिमम लिथुएनियन मंथली सैलरी। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी इन्होंने बहुत हाई रखी है, लेकिन अगर आप इंडिया में एक ऑलरेडी स्किल्ड और काफ़ी एक्सपीरियंस हैं तो आपको इतनी सैलरी आराम से मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप बेफिक्र रहिए, आपको पक्का मिलेगी। अब देखिए, ऑल एलिजिबल हाई स्किल प्रोफेशनल्स बोथ फॉरेन नेशनल्स एंड लिथुएनियन एक्सपैक्ट्स कैन अप्लाई फॉर द रिलोकेशन पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ वर्किंग इन लिथुएनिया। मतलब आपको तुरंत नहीं मिलेगा, आपको 6 महीने के बाद आप इस पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये पेमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसको अगर आप फिगर में एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन किया है, ये देखिए। आपको क्या करना है, स्टेप 1, लैंड अ जॉब इन लिथुएनिया, कोई जॉब ले लीजिए, ठीक है, अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, ओपन एंडेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें टर्मिनेशन डेट कोई नहीं चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आप रिलोकेट हो जाइए, लिथुएनिया पहुँच जाइए, वहाँ पर जहाँ भी लिथुएनिया में जिस भी सिटी में आपकी जॉब है। स्टेप 3 में 6 महीने रुकिए वहाँ पर, 6 महीने कंटिन्यूसली रुकिए, ठीक है। स्टेप 4, अप्लाई एंड गेट 2,900 यूरोज, ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 स्टेप यहाँ पे हैं। अब देखिए, इन्होंने यूक्रेन से बात की, हम नहीं करेंगे। हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट, 6 महीने जब आपने स्पेंड कर लिए जॉब में, आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको मेल कर देना है इस पर, info@uzt.lt। दोज एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शैल कॉन्टैक्ट द एम्प्लॉयमेंट सर्विस वाया ईमेल info@uzt.lt। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, आप अगर स्किल्ड हैं अप्लाई करिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका काम। मैं आपको फ्रेंड्स एक और कैच बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपकी एम्प्लॉयर के साथ सेटिंग अच्छी है, अगर आपकी एम्प्लॉयर के साथ सेटिंग अच्छी है, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 2,993 यूरो वाला है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी मंथली जो आपकी सैलरी स्लिप है वो आप दिखा सकते हैं इसके इक्विवेलेंट। मतलब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला है, आपकी मंथली सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो अगर आपकी सैलरी, आपकी एम्प्लॉयमेंट के, अपने एम्प्लॉयर के सेटिंग अच्छी है, आप उसको बोल के एक अपना सैलरी स्टेटमेंट बनवा सकते हैं जिसमें वो इतना दिखा सकता है। ये तभी होता है जब एम्प्लॉयर और जो वर्कर है उसके बीच की सेटिंग अच्छी है, ठीक है, ये बना सकते हैं वो लोग, क्योंकि सब कुछ कंपनी के हाथ में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इंसेंटिव दिलाने के लिए,
एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है, उसमें ऑब्वियसली एम्प्लॉयर थोड़ा सा कट लेता होगा फ्रेंड्स। अगर समझ लीजिए आपको ये 2.9 थाउजेंड 3,000 यूरोज मिलेंगे, तो उसमें से एम्प्लॉयर एक कट लेगा आपको, क्योंकि वो एक आपकी सैलरी स्लिप बना के देगा जिसमें आपको मंथली इतना दिखा रहा है। तो अगर ऐसा है तो एम्प्लॉयर इसमें से कट लेता है, ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है, लेकिन आपकी अपने एम्प्लॉयर के सेटिंग अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पक्का आप इसके ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए, देखिए बहुत अच्छा है ऑप्शन लिथुवेनिया जाने का। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो एक्सपीरियंस हैं तो आप जाइए, आपको इतने पैसे मिलेंगे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो में आप बने रहिएगा, ठीक है। मैंने अपने सारे वीडियोज़ में बताया है फ्रेंड्स, वर्क परमिट की जो कॉस्ट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वर्क परमिट की जो कॉस्ट है वो आपको VFS से लेनी है फ्रेंड्स। VFS पे कॉस्ट लिखी हुई है, कहीं और से मत लीजिए। ये देखिए 10,601 रुपये फ़ीस है, 10,600 रुपये फ़ीस है। अगर यूरोज़ में देखेंगे तो 120 यूरोज़ है, उसमें 1,581 रुपये आपका अलग से लगता है। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 10,601 प्लस 1,581, 12,000 के आसपास आपकी लिथुवेनिया वर्क वीज़ा की फ़ीस है फ्रेंड। इससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, अपना एजेंट खुद बनिए फ्रेंड्स, ठीक है। किसी को आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट है कमेंट्स में पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, लेकिन फ्रेंड्स जानकार बनिए, कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस।